सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पर। दोस्तों, आज जो हम बिजनेस की बात करने जा रहे हैं वो मणिपुर के कुछ खास बिजनेस है जिनकी आप शुरुआत करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो और अच्छा खासा आप इनकम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला बिजनेस आता है वेजिटेबल और फ्रूट जो शॉप होती है वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों वेजिटेबल और फ्रूट की जो स्टॉल्स वगैरह होती हैं वो आप स्टार्ट करके कैसे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, आपको थोड़े इन्वेस्टमेंट से यानी कि 30 से लेकर 40 हज़ार के इन्वेस्टमेंट से आप आराम से इस बिजनेस को कर सकते हैं, या फिर दोस्तों कम इन्वेस्टमेंट है 20 से लेकर 25 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है तो भी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है कि दो स्टॉल वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं तो दो आप स्टॉल वगैरह ले सकते हैं, या फिर दोस्तों शॉप वगैरह ले रहे हैं तो एक शॉप से भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। शॉप वगैरह आपको ऐसे मानी मार्केट में या दोस्तों रोड साइड में जहाँ पे कस्टमर का आना जाना लगा रहता है वैसी जगह पे आपको शॉप वगैरह स्टार्ट करनी है। अगर स्टॉल वगैरह लगा रहे हैं जहाँ पे सब्जी वगैरह की जो स्टॉल्स वगैरह लगती हैं वहाँ पे आप अपने स्टॉल्स वगैरह लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप खुद करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, खुद नहीं करना चाहते हैं तो आप पर मंथ की सैलरी पे आप दो हेल्पर वगैरह आप रख सकते हैं जो आपकी वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह सेल कर सकते हैं। एक आप वेजिटेबल की स्टॉल वगैरह लगा सकते हैं, एक दूसरी फ्रूट की आप स्टॉल वगैरह लगा सकते हैं। इसके अंदर क्या करना होगा कि आपको सुबह सुबह जो मंडी वगैरह होती है आपके आसपास की जो सब्जी मंडी वगैरह है वहाँ से आपको क्या मॉर्निंग मॉर्निंग में आपको थोक में सब्जियाँ वगैरह और फ्रूट वगैरह लेकर आने हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बल्क में आपको मिल जाएगी और दोस्तों आपको उसको जो है सब सेल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको हेल्परों को जितनी सब्जी दे रहे हैं उसका आप रिकॉर्ड अपने पास रखिए और दोस्तों शाम को उनसे आप हिसाब किताब कर सकते हैं। इस तरह से ना आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट, अच्छी क्वालिटी की सब्जियाँ वगैरह रखें, अच्छी क्वालिटी के आप फ्रूट वगैरह रखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट ही होगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ऐसे स्टॉल वगैरह कौन लगाने देगा किसी जगह पर, तो दोस्तों इनकी कुछ यूनियन वगैरह होती है, या फिर दोस्तों आप किसी शॉप के आगे यानी दोस्तों शॉप के मालिक से बातचीत कर सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत आप रेंट वगैरह दे सकते हैं। इस तरह से आप एक जो है आपकी स्टॉल इस एरिया में लगा सकते हैं, एक स्टॉल दूसरे एरिया में लगा सकते हैं। इस तरह से आप अच्छा खासा प्रॉफिट ही प्रॉफिट आप इसमें कमा लेंगे। पर डे की कमाई की बात करूं तो दोस्तों आप दिन के 1500 से लेकर 2000 एक स्टॉल से आराम से कमा लेंगे और दूसरे से भी इतना कमा लेंगे तो दोस्तों आप 2000 से लेकर 3000 की कमाई पर स्टॉल से कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, आप महीने के ना कम से कम भी माने ना तो 50,000 ज़्यादा की कमाई आप आराम से कर लेंगे सब खर्च निकाल कर, तो अच्छा खासा प्रॉफिट है इसमें। बिजनेस कीजिए फिर देखिए दोस्तों कैसे प्रॉफिट होता है। उसके बाद दोस्तों बिजनेस की बात करूँ तो दोस्तों वो बिजनेस है गारमेंट का बिजनेस, यानी कि दोस्तों गारमेंट शॉप शुरू करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके आपको क्या करना है कि होलसेल में गारमेंट वगैरह लेकर आना है। अब गारमेंट की बात करें तो दोस्तों आप 1 लाख से लेकर 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत होती है, आपको होलसेल में गारमेंट वगैरह लेकर आना है। लेडीज गारमेंट हो गया, जेंट्स गारमेंट हो गया, बच्चों के जो गारमेंट्स होते हैं ये आप शॉप वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। आप शॉप ऐसी जगह पर लेनी है जहां पे कस्टमर की भीड़ ज्यादा रहती हो, कस्टमर का आना जाना लगा रहता हो और दोस्तों आसपास में कोई गारमेंट शॉप वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी जगह पर शॉप आप ले सकते हैं। रेंट पे आपको मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, अपनी सिटी के अंदर से आपको मिल जाएगी। मणिपुर से बिलोंग करते हैं, मणिपुर में कोई सी भी सिटी से बिलोंग करते हैं आप ये शॉप वगैरह रेंट पे ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं गारमेंट का शॉप का बिजनेस। और दोस्तों होलसेल में अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार अब होलसेल में कहाँ से मिलेगा, तो होलसेलर आपको आराम से अपनी सिटी के आसपास मिल जाएंगे। मणिपुर में ही आपको होलसेलर बहुत होते हैं, तो आप मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे भी ले सकते हैं, अब होलसेलर है उनसे भी आप ये होलसेल में आप गारमेंट्स वगैरह ले सकते हैं और आप शॉप में आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने साथ एक हेल्पर वगैरह रख सकते हैं जो उसको जो सेल्समैन वगैरह जो दिखा सके कस्टमर को ये गारमेंट्स वगैरह दिखा सके, तो इस तरह से आप शॉप शुरू करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अंदर आप पर डे की इनकम बात करूँ तो 1500 से लेकर 2000 रुपये आप आराम से कमा लेंगे और महीने के 40 से लेकर 50 हज़ार रुपये आप सब खर्च निकाल कर आराम से कमा लेंगे। उसके बाद दोस्तों बिजनेस की बात आती है तो ये बिजनेस है चाइनीज स्टॉल का बिजनेस, यानी दोस्तों आप चाइनीज फूड स्टॉल लगाकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपकी सिटी में आप किसी शॉप के मालिक से बातचीत कर सकते हैं, दो आप स्टॉल लगानी है तो दो आप शॉप के मालिक से बात कर सकते हैं, उनकी शॉप के आगे आप अपनी स्टॉल वगैरह लगा सकते हैं उनको थोड़ा बहुत रेंट देकर। दोस्तों इसके अंदर आपको रॉ मटेरियल जो इक्विपमेंट वगैरह की जरूरत होती है, आपको दो स्टॉल की जरूरत होती है, स्टॉल आपको रेंट पर मिल जाएगी, उनको आप अच्छे से तैयार करवाएं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों 25-25 हज़ार रुपये आपकी स्टॉल आराम से तैयार हो जाएगी और आप अच्छे खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। अब चाइनीज स्टॉल के अंदर क्या होता है कि चाइनीज में फूड के अंदर आता है बर्गर, चाउमीन हो गया, मोमोज हो गया, मंचूरियन हो गया, स्प्रिंग रोल हो गया, ये आप स्टार्टिंग में ये आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे प्रॉफिट होता है तो 2 की 3 स्टॉल कर सकते हैं, 3 से 4 स्टॉल कर सकते हैं। आप अपने प्राइस जो है आइटम के आप अपने स्टॉल पे मेंशन वगैरह कर सकते हैं। इस तरह से ना प्रॉफिट है ना आपको चाइनीज स्टॉल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा और अच्छा खासा आप इनकम कर लेंगे। खुद करना चाहते हैं तो खुद भी आप कर सकते हैं दोनों स्टॉल पे, अगर नहीं तो करना चाहते हैं तो आप एक हेल्पर या दो हेल्पर उस पर रख सकते हैं, दो हेल्पर पर रख सकते हैं और आप अच्छे से इसकी सेल कर सकते हैं। नहीं दोस्तों चाइनीज स्टॉल लगाकर भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नहीं दोस्तों आप 50,000 के इन्वेस्टमेंट से अगर करते हैं ना ये बिजनेस दो स्टॉल लगाकर, तो पर डे के आप है ना 1000 से लेकर 1500 रुपये आपको बचत हो ही जाएगी एक स्टॉल से, दूसरी स्टॉल से भी इतनी हो जाएगी, नहीं 2000 तो आप आराम से कमा ही लेंगे। इस तरह से ना आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे और दोस्तों महीने के आप 40 से लेकर 50 हज़ार या 50,000 60,000 से आप इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों तीनों में से कोई भी बिजनेस कीजिए मणिपुर से ही और अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।